नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 डिवाइड बाय 6 इनटू विद इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 प्लस 6। तो सेम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 18 डिवाइड बाय 6, अगर आप चाहें 18 डिवाइड बाय 6 पहले कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम पहले ब्रैकेट ही सोल्व करते हैं। 4 माइनस 3 1। देखिए 18 एज इट इज, डिवाइड भी एज इट इज लिखा मैंने, 6 भी लिखा, इनटू भी ऐसे लिख दिया, 4 माइनस 3 करने पर आया 1, तो 1 लिख दिया। इसके बाद क्या है, प्लस है, तो फिर प्लस को लिखेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है हमें, फिर 6 है, फिर 6 को लिखेंगे। तो आपका क्या आ गया, 18 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 प्लस 6। अब क्या है बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ऑफ हो चुका है हमारा, डिवाइड, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 6, 6 वन जा 6, 6 थ्री जा 18, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 6। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, 3 वन जा 3 प्लस 6, 6 प्लस 3 9, आंसर। देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया, आया 1, और सबको हमने एज इट इज नीचे लिख लिया। 18 को हमने डिवाइड किया 3 से, क्योंकि पहले डिवाइड करते हैं बोर्ड मास में, फिर इंटू 1 एज इट इज लिख लिया, प्लस 6 एज इट इज लिख लिया, 3 इंटू 1 3 प्लस 6, और 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, यही क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 प्लस 16 माइनस 7 विद इन ब्रैकेट इंटू 4। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, 12 डिवाइड बाय 3, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, यह आया 4 प्लस 3 एज इट इज प्लस 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 करेंगे यह आ जाएगा 9 इंटू 4। फिर क्या करेंगे, 4 प्लस 3, 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं है, ना ही 3 के साथ है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 3 7 प्लस 9 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 4 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36। हमने 3 और 9 को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि 9 के साथ अभी मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद ही हम ऐड कर सकते हैं, तो 36 प्लस 7 आंसर आ जाएगा 43 आंसर। क्वेश्चन है 11 प्लस 9 डिवाइड बाय विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 9 प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए 11 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, प्लस 9 भी आ जाएगा नीचे, डिवाइड भी आ जाएगा नीचे। 11 और 9 को हमने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि 9 के साथ अभी क्या है, डिवाइड में है ब्रैकेट, इसलिए हमने 11 और 9 को ऐड नहीं किया। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 10 प्लस 2 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 आएगा 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3। फिर देखिए 11 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, इसको करेंगे 9 डिवाइड बाय 3, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, या फिर 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, यह आएगा 3। 11 प्लस 3 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 डिवाइड बाय 6 प्लस विद इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2। ये देखिए 18 डिवाइड बाय 6, इसको हम एक साथ कर सकते हैं, 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा 3, प्लस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 2 प्लस, मल्टीप्लाई होगा पहले, 4 3 जा 12 इंटू 2, 3 एज इट इज आएगा प्लस 12 प्लस 2 14, बाहर क्या है इंटू 2 है ब्रैकेट के बाहर, तो इंटू 2 होगा, अब हो जाएगा 3 एज इट इज आएगा
प्लस 14 टू जा 28, 28 प्लस 3 31 आंसर। क्वेश्चन देखिए, विद इन ब्रैकेट 5 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2, जो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है जो ब्रैकेट के अंदर से आता है सोल्व होकर, प्लस विद इन ब्रैकेट 8 माइनस 4 इंटू 2। ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, 5 प्लस 2 7 माइनस 4 ये आएगा 3, ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 ये आ जाएगा 4। देखिए ये सोल्व करके क्या आया, 3 आया, बार के इनटू में 2 है, प्लस ये क्या आया सोल्व करके 4 आया, बार के इनटू में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 6 14 आंसर। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर ब्रैकेट था, ब्रैकेट के बाद जो है हमारा डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई किया हमने, फिर ऐड किया, आंसर आ गया 14।